थाना जानकीपुरम सेक्टर 3 पुलिस का दिखा है मानवी चेहरा। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। तालाब में डूबते रहे दो बछड़ों की बचाई जान। हेड कांस्टेबल शिवम और श्री कृष्ण ने बचाई जान। पीआरवी 4565 पर तैनात है दोनों हेड कांस्टेबल। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर का बड़ा बयान लखनऊ से बड़ी खबर है। देश को कौन सिविल कोर्ट की जरूरत, यह शशि चतुर्वेदी का कहना है। कॉमन सिविल कोर्ट के समर्थन में उतरे शशि चतुर्वेदी। हाल ही में राशिद फिरंगी महली ने जताई थी आपत्ति। हिंदू महासभा का आजादी के पहले से मानना है कि एक देश एक प्रधान एक निशान, उसी नीति के तहत देश की केंद्र की सरकार जो है मोदी जी की, वो कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कह रही है। उसको लेकर एक धर्म विशेष के मौलाना साहब ने जो अपने स्टेटमेंट जारी किया है कि वो किसी भी प्रकार से कॉमन सिविल कोड को देश को तोड़ने वाला बता रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये कॉमन सिविल कोड पूरे देश के सभी धर्म और जाति के लोगों पर समानता से जब लागू होगा तो इसमें आपत्ति किस बात की है। आज भी ऐसे लोग जो इसका विरोध करते हैं उनके लिए आज भी पाकिस्तान के रूप में एक विकल्प आज भी बना हुआ है। जब ये देश को जो बंटवारा हुआ वो एक धर्म के नाम पर इस देश का जब बंटवारा हुआ था, तो जिनको ऐसे इस देश के कानूनों से, इस देश के निशान से, इस देश के झंडे से, इस देश की पहचान से अगर दिक्कत है तो उनके लिए विकल्प पाकिस्तान के रूप में आज भी बना हुआ है, वो वहां जा सकते। पुलिस की 21,295 सिपाही बने हैं कांस्टेबल। पुलिस महकमे में सिपाहियों को मिला प्रमोशन। साल 2011 तक भर्ती सिपाहियों के प्रमोशन लिस्ट हुई जारी। डीजीपी मुख्यालय में पदोन्नत सिपाहियों की लिस्ट जिले के कप्तानों को भेजी गई। पुलिस के 21,295 सिपाही बने हैं कांस्टेबल। पुलिस महकमे में सिपाहियों को मिला प्रमोशन। यूपी से बड़ी खबर है। 20 दिसंबर को कानपुर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। जिला कारागार कानपुर नगर सिविल लाइंस जाएंगे अखिलेश। सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी से करेंगे मुलाकात। आगजनी मामले में जेल में बंद है इरफान। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।